हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टीएस ग्रिवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो कि प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। दे एडमिट सी इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। सी लेके आया है 30,000 कैपिटल और 10,000 की गुडविल। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जब सी का एडमिशन हुआ तब गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट ₹33,000। ये कह रहा है कि जब सी का एडमिशन हुआ उस टाइम में जो बैलेंस शीट दिखा रही थी कंपनी की, उसमें ए और बी का जो गुडविल था वो था 3,000। इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, मीन्स न्यू पार्टनर के आने से पहले जो गुडविल एग्जिस्ट करती थी फॉर्म में, तो ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर्स में, राइट? बिकॉज ये न्यू पार्टनर के आने से पहले की गुडविल है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी 5:3:2। अब हमें यहाँ न्यू रेशियो दिया हुआ है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, फॉर्मूला निकाल लेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में कह रहे हैं ए और बी दो पार्टनर्स है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28, कुछ बुक्स में 29 भी होगा, आप क्वेश्चन को मैच कर लेंगे एक बार। ए इज टू बी, ए रेशो बी, ए का रेशो है 3, बी का है 2:5। सी इज अ न्यू पार्टनर जिसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 30,000 कैश कैपिटल लेके आया है सी, प्लस 10,000 गुडविल लेकर आया है, और ये कौन लेके आया है? सी, राइट? 30,000 की कैपिटल आई है और 10,000 का गुडविल आया है। दूसरी चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है हमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, 5:3:2, राइट? तो अब हमें सबसे पहले निकालना होगा, बिकॉज हमें गुडविल है तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाइजिंग रेशो की ज़रूरत होगी। यहाँ गुडविल लिख देती हूँ, तो सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालेंगे हम। सबसे पहले होगा सेक्रीफाइजिंग रेशो, आप पूरा लिखना चाह रहे हैं तो पूरा लिखिए, सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑफ ए। ए का सेक्रीफाइजिंग रेशो ओल्ड शेयर 3:5 माइनस न्यू शेयर 5:10, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 5 2 10 एंड 2 3 6, नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, 10 1 10, 1 5 5, 6 में से 5 गए, 1:10। नेक्स्ट सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑफ बी, बी का निकालेंगे, ओल्ड शेयर इज 2:5 माइनस न्यू शेयर इज 3:10, राइट? एलसीएम लेंगे 10, 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10, नीचे से डिवाइड, 5 2 10 एंड 2 2 4 माइनस 10 1 10 एंड 3, 4 में से 3 गए, 1 1:10। दैट मीन्स सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑफ ए इज टू बी इज 1:1। देखिए सेक्रीफाइजिंग रेशो आ गया, अब हम गुडविल इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है कि एक गुडविल और है, और वो गुडविल है 3,000 की, उसको बोलते हैं हम एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है कि फर्म में न्यू पार्टनर के आने से पहले जो गुडविल होती है बैलेंस शीट में, दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल, और इस गुडविल को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, राइट? तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, आइए देखते हैं। कॉलम बना लेते हैं, एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, राइट? सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3,000 की गुडविल है, तो देखिए जब एग्जिस्टिंग गुडविल होती है वो हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है, ये याद रखेंगे आप। इज
कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू। अब टू यहाँ पर कौन सी गुडविल है, ये एग्जिस्टिंग गुडविल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल। यहाँ पर हम लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। देखिए गुडविल को बिकॉज ये एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, इसके लिए इसको राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और ये होता है ओल्ड रेशो में। तो एग्जिस्ट गुडविल है टोटल 3000 की, 3000 को यहाँ वर्किंग नोट में मैं बना देती हूँ, 3000 को अगर आप ओल्ड रेशो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का शेयर हो जाएगा 3/5 और बी का शेयर हो जाएगा 2/5, राइट। 5×6=30, 6×3=18, यहाँ आ जाएगा 1800। नेक्स्ट 5×6 यहाँ पर फिर से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1200। आई होप आप लोगों को ये एंट्री समझ आई हो। ये है एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री जो पार्टनर के एडमिशन से पहले थी फॉर्म में, इसको राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट इज सेकेंड एंट्री। देखिए सेकेंड एंट्री में पार्टनर क्या लेके आया है, कैपिटल और गुडविल कैश के फॉर्म में, तो कैश आया है फॉर्म में, तो सेकेंड एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, बस ये एक एंट्री जो थी वो न्यू थी, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब कैश टोटल कितना है, 30,000 + 10, 40,000, राइट। कैपिटल है 30,000 और गुडविल है 10,000। नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं, एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो गुडविल कितनी है, 10,000, 10,000 गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्रीफाइजिंग रेशो में। तो 10,000 गुडविल में ए का शेयर क्या होगा, सेक्रीफाइजिंग रेशो 1:1 है, 1:1 मीन्स हाफ, दिस मीन्स 10,000 का हाफ हो जाएगा 5,000, ए में जाएगा और 5,000 बी में। आई होप आप लोगों को ये जर्नल एंट्रीज भी समझ आई हो। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टीएस ग्रिवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अनसॉल्व क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन नंबर 30 भी है, इसलिए आप मैच कर ले देंगे। अनु एंड भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। अनु और भगवान दो पार्टनर्स हैं जो कि फर्म में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 3:1 के रेशियो में। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 4,40,000। देखिए गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स में, दैट मीन्स ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। इसका मतलब है कि न्यू पार्टनर से आने के पहले की गुडविल है ये, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। इसलिए ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, राइट। नेक्स्ट राजा वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। अब इस गुडविल के बाद राजा की एडमिशन हुआ है फर्म में। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग अनु भगवान एंड राजा वॉज 2:2:1। न्यू रेशो दिया हुआ है हमें सारे पार्टनर्स का। राजा ब्रॉट, अब न्यू पार्टनर क्या लेकर आया है, 1,00,000 फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश फॉर हिज गुडविल प्रीमियम। यहाँ पर गुडविल का कैश नहीं लिखा हुआ, बट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2,50,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्म की गुडविल जो है वो 2,50,000 है, 2,50,000 है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल निकालनी पड़ेगी, राइट। बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है नेसेसरी कैश, जितना भी ज़रूरी कैश था वो न्यू पार्टनर लेके आया है। अब कितना कैश था, कितनी गुडविल लानी थी उसे, ये हम फॉर्म की गुडविल से निकालेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए कुछ
कुछ बुक्स में ही क्वेश्चन नंबर 30 में भी मिलेगा आप लोगों को। लेट्स सी, अनु एंड भगवान, पूरा नाम लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी किस कौन सा क्वेश्चन है। अनु एंड भगवान आर टू पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक एग्जिस्टिंग गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में मैंने बताया था कि न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले की गुडविल को कहा जाता है एग्जिस्टिंग गुडविल, दैट इज 4,40,000। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन है, राइट। नेक्स्ट इज न्यू पार्टनर इज राजा। राजा जो है वो न्यू पार्टनर है। अब राजा का शेयर क्या है वो हमें यहाँ फिलहाल नहीं दिया हुआ, बट हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमें क्वेश्चन में ये मेंशन है। दूसरा, जो न्यू पार्टनर है वो 1 लाख की कैपिटल लाया है और गुडविल कितनी लाया है ये हमें पता नहीं, बट फर्म की गुडविल हमें पता है, राइट। तो फर्म की गुडविल दी हुई है हमें क्वेश्चन में 2,50,000। तो अगर फर्म की गुडविल दी हुई है तो हम राजा की गुडविल इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसी को निकालते हैं, यहाँ पर मैं निकालती हूँ राजाज शेयर ऑफ गुडविल। देखिए राजा के शेयर ऑफ गुडविल कितनी है, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय। अब राजा का शेयर कितना है, देखिए ये ए का है, ये बी का है, तो ये सी का होगा, राजा का होगा, न्यू पार्टनर का है। तो राजा का शेयर कितना है, 1/2+2+1, 5, राइट। तो अब इसको आप कट करेंगे तो आ जाएगा आपका 50,000। दिस इज द राजा न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, दिस इज ब्रॉट बाय राजा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हमें ये पता है कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है सेक्रीफाइजिंग रेशो में। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑफ अनु, तो अनु का सेक्रीफाइजिंग रेशो फॉर्मूला होगा ओल्ड शेयर 3/4 माइनस न्यू शेयर 2/5। क्लियर है, सॉल्व करके देखते हैं। एलसीएम लेंगे आएगा 20, 5 3 15 माइनस 5 4 20 एंड 4 2 8, तो 15 में से 8 गए 7/20। नेक्स्ट, सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑफ भगवान, भगवान का सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालते हैं। ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर कितना है 1/4 माइनस 1/4 माइनस न्यू शेयर, न्यू शेयर इज 2/5। एलसीएम लेंगे 20, 4 5 20 एंड 5 1 5 माइनस 5 4 20 एंड 4 2 8। अब देखिए 5 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 3/20। डिनोमिनेटर ए और बी का सेम है, दैट मीन्स सेक्रीफाइजिंग रेशो हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑफ अनु एंड भगवान इज 7:7-3। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो, राइट। सो नाउ वी डू द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री, देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है, राइट। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो पहली एंट्री होगी अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी भगवान के भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे ना, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू गुडविल अकाउंट। देखिए हमने यहाँ पर सिंपल गुडविल लिखा है, कोई प्रीमियम प्रीमियम नहीं है, बिकॉज ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, राइट, न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले की गुडविल। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड शेयर में। टोटल गुडविल कितनी है एग्जिस्टिंग, 4,40,000, राइट। अब यहाँ वर्किंग नोट में मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए पहले हम ए का निकालेंगे फिर बी का निकालेंगे। 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 3 3+1 4। ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 110, और यहाँ पे आ जाएगा 330000। सॉल्व करके देखिए 3,30,000, राइट। बी, अब बी से निकालते हैं 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ओल्ड शेयर है ना, 1/4। तो यहाँ पर सीधा सिंपल काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 110000। सॉल्व करके देखिए यही आएगा, राइट। तो दिस इज़ द एग्जिस्टिंग गुडविल। नेक्स्ट अब हम सेकेंड एंट्री पे आते हैं, सेकेंड एंट्री जहाँ पर राजा कैश और गुडविल लेके आए हैं। तो पहले हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री तो हम हमेशा से करते हैं ना, तो आप लोग को ये एंट्री क्लियर होगी। तो कैश कैपिटल पहले देखते हैं, कैपिटल कितना लेकर आया है, 1,00,000। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं 1,00,000। और गुडविल कितनी लेकर आया, गुडविल हमने यहाँ पर निकाली थी ना, देखिए ये रहा, ये हमने राजा की शेयर ऑफ गुडविल निकाली थी, राजा शेयर ऑफ गुडविल, दिस इज 50,000। सो वी विल राइट हेयर 50,000, राइट। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1,00,000+50, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1,50,000। टोटल कैश इतना ही तो आया ना फर्म में, 1,00,000 का कैपिटल लेके आया है राजा और 50,000 की गुडविल लेकर आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000। अब हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए मैं नरेशन नहीं लिख रही बिकॉज स्पेस भी नहीं है, और नरेशन आप खुद भी बना सकते हैं, जब एंट्री समझ आती है तो नरेशन आप इजीली बना सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, अभी गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड पार्टनर्स में, और कौन से रेशो में, सेक्रीफाइजिंग रेशो में हो जाएगा अनूज। बट एक चीज़ यहाँ देखने वाली है, देखिए यहाँ पर गेन हो रहा है बी को, राइट। तो अगर बी को गेन हो रहा है तो बी का अकाउंट सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं टू अनूज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट ही किया, बस थोड़ा मुझे यहाँ स्पेस छोड़ना था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, इसको भी रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है, 50,000, राइट।